दो दिवसीय सौर सम्मेलन व मग महोत्सव कार्यक्रम का हुआ संपन्न। बिहार की ज्ञान एवं मोक्ष की धरती फल्गु तटस्थ विष्णु नगरी में ओम नमो भगवते भास्कराय नमः की उद्घोषणा के साथ शुरू हुआ दो दिवसीय सौर धर्म व मग महोत्सव कार्यक्रम। कार्यक्रम की अध्यक्षता मग धर्म संसद के संयोजक शैलेश परासर ने किया। इस महोत्सव का शुरुआत शनिवार प्रातः 6 बजे भगवान सूर्य पूजन तत्पश्चात विष्णु पद मंदिर दर्शन एवं पूजन, सभास्थल पर गणेश पूजन, कलश स्थापना, सूर्य पूजन वंदन, ध्यान एवं सूर्य ध्वजारोहण, अतिथि सम्मान, धर्म परिचर्चा, संगीत संध्या, कवि सम्मेलन के अलावे श्रद्धेय मग विद्यावत जनों ने मग धर्म संसद की स्थापना उद्देश्य एवं उपलब्धियों के साथ वर्तमान परिपेक्ष में हम मगों की स्थिति एवं संस्कृति रक्षा पर अपना बहुमूल्य विचार प्रकट किए। सूर्यांश की शक्ति एवं उनकी दृढ़ संकल्पना में निरंतरता पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में महिला शक्ति के रूप में सुश्री अनुज्ञा शर्मा, रेखा शर्मा, उमा शर्मा, रानी मिश्रा जी की गरिमामयी उपस्थिति के साथ पुरुष रत्न मुख्यातिथि श्रीदेव मिश्र जी, प्रदेश अध्यक्ष गिरेंद्र मोहन मिश्र, उपाध्यक्ष यामिनी मिश्र, आयोजक आचार्य मुकेश मिश्र, अरुण मिश्र मधु, कमलाकांत पाठक, कमलेश पाठक, मनोज मिश्र, पद्यनाग, शिववल्लभ मिश्र, गोविंद पाठक, युवा राष्ट्रीय मग अध्यक्ष प्रभात कुमार, दिव्यांशु मिश्र, सौरभ चंदन, सुधांशु, मनोरंजन जी के साथ हजारों मग बंधु मौजूद रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए गया से मनीष पांडे की रिपोर्ट। बारे में उनको और स्वामी जी ने बात की और बहुत उनको अच्छा लगा, बहुत प्रेम से पूरे प्रदेश पूरे अपने क्षेत्र से कहा कि मंडल में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां हम लोग जाकर के लोगों जा सकते, सब कुछ है, सब कुछ है, गाँव बैठक किए, उन्हीं का भोजन किए, उन्हीं दरवाजे भोजन किए और सौर धर्म क्या है इसको जानना है, समिति से लेना देना कुछ नहीं है, आप जिस समिति में रहें आप सौर उपासक हैं, इससे ही मतलब। सबसे पहले तो मग ब्राह्मण से आवृत है, मगध मगध की धरती मगों के आगमन से मगों के वास से वासित होने का मगध है, जैसा कि पढ़ा कल्याण से पत्रिका में छपा भी था कि मगों के वास से वासित होने का उसका नाम मगध। चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिंहासन पर बैठाया वो जो है सो हमारे वंश के हमारे पुरोधा चंद्रगुप्त पूज्य पाशी ब्राह्मणों के आराधना का जो एक प्रकाश श्लोक है, आरोग्य भास्कर आदिच्छे आरोग्य कारक है भगवान, और यहां जो है सो हम लोग।